नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक पड़ाव पार हो गया है। पहले चरण के लिए प्रत्याशियों ने अपनी अपनी उम्मीदवारी पेश कर दी है। कल ही नामांकन का आखिरी दिन था। बात अगर बिहार चुनाव की हो और बाहुबली नेताओं का जिक्र ना हो, ये भला कैसे मुमकिन है। हर बार की तरह इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बाहुबली नेताओं की फहरिस्त काफी लंबी है। लगभग हर पार्टी ने बाहुबलियों को चुनावी अखाड़े में उतारा है और बिहार में काबा की आज के इस शो में देखेंगे कि इस बार के बिहार चुनाव में किस तरह बाहुबली नेताओं का दमखम है। इस मुद्दे पर सुनिए लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की जुबानी बाहुबली नेताओं के वर्चस्व की कहानी। अरे नेताजी गोड़ मिसे बाहुबलियन के, अरे नेताजी गोड़ मिसे बाहुबलियन के, हाँ वोट बैंक इनकर कट्टा दू नलियन पे। अरे काबा बिहार में काबा, गुंडन के माफियन के कुर्सी के चाहबा, गुंडन के माफियन के कुर्सी के चाहबा, अपराधिन के मिलत राजनैतिक पनाहबा। अरे काबा बिहार में काबा, जिला प्रशासन थर थर कांपे ऐसन जलवा कायम बा, जिला प्रशासन थर थर कांपे ऐसन जलवा कायम बा, अरे इनकर काम जरायम बा। हाँ काबा बिहार में काबा, फॉर्चूनर दरवाजे खड़ाबा कंधे पे राई फल चढ़ाबा, फॉर्चूनर दरवाजे खड़ाबा कंधे पे राई फल चढ़ाबा, अरे बाहुबली कहलावे सरकार बनावे गिरावे, बाहुबली कहलावे सरकार बनावे गिरावे, अरे गुंडन के हाँ भैयन के हुनकार बा, जाने के थुआ के सरकार बा। अरे काबा बिहार में काबा, हाँ रंगबाजी बा रंगदारी बा गारी बा मार बा गर्दा बा। तो एक अपने ही अंदाज में नेहा बिहार की स्थिति को बयां करती हैं और इस पूरे चुनावी बयार में जो उनके गीत हैं, जो बिहार के हालात पर हैं, वो बड़े ही सटीक बैठते हैं। चाहे बिहार में बाढ़ की समस्या हो, वहाँ के नेताओं ने जो अपने अपने इलाके को बिसरा दिया, 5 साल तक वो दिखते नहीं हैं, चाहे वो बात हो या फिर रोज़गार की समस्या हो, हर बात पर नेहा के पास कुछ ना कुछ होता है। और बिहार के लोग उनके इन गीतों से ना ही सिर्फ मनोरंजन पा रहे हैं इस चुनावी बयार में, बल्कि इसे बड़ी गंभीरता से भी ले रहे हैं। इस बार बिहार के मतदाता इन सभी बातों का ख्याल रखकर ही वोट करेंगे कि बिहार में काबा। तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां पूरी हैं और बिहार में बाहुबली नेताओं का एक लंबा इतिहास भी रहा है। शहाबुद्दीन से लेकर अनंत सिंह तक का वर्चस्व बिहार की जनता ने देखा है। बेरा के राजनीति में गांधी जी के, अम्बेडकर जी के सबकर सपना चूर बा, दोसर काबा बिहार में, लोग के आँख में आंसू बा, अपराधी लोग के बोल बाला बा। लोग विचारधारा पे चलते थे, अब विचारधारा जैसी कोई बात नहीं रह गई है, ऐसे में बाहुबलियों का जो है बोलबाला हो गया है राजनीति में। बात की चर्चा करना ही अब कोई उसका तथ्य ही नहीं रह गया, ये सब तथ्य अब विचार ही नहीं है और इस पर किसी भी तरह का टिप्पणी करना भी अब शोभनीय नहीं है। आज कुछ ना बा, आज अपराधी के बोलबाला बा, आज के राजनीति के दौर में धोखा बा, फरेब बा, भ्रष्टाचार बा, बाहुबल बा, आज के समय में शहाबुद्दीन जैसन, अनंत सिंह जैसन, मंजू वर्मा जैसन नेता बा। पार्टियों को जो है वो अपने जनता पर और अपने कार्यकर्ता पर भरोसा खत्म हो जाता है चुनाव के समय में। जी हाँ, बिहार चुनाव में कुछ मिले या ना मिले, बाहुबलियों का दमखम, बाहुबलियों का प्रभाव जरूर देखने को मिल जाता है। हर बार की तरह इस बार भी बिहार चुनाव में बाहुबलियों की भरमार है। मोकामा विधानसभा सीट से आरजेडी ने चर्चित बाहुबली नेता अनंत सिंह को मैदान में उतारा है।
अनंत सिंह इस वक्त भी जेल में ही बंद हैं। जेल से ही अनंत सिंह पर्चा दाखिल करने पहुंचे थे। गोपालगंज में जेडीयू ने एक बार फिर अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है। अमरेंद्र पांडे और उनके भाई सतीश पांडे का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। वैशाली के लालगंज से बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मुन्ना शुक्ला जेडीयू के नेता हैं, लेकिन सीट बंटवारे के तहत लालगंज सीट बीजेपी के खाते में चली गई है। भोजपुर के तरारी विधानसभा क्षेत्र से सुनील पांडे इस बार बतौर निर्दलीय नामांकन दाखिल कर चुके हैं। पहले निर्दलीय फिर जेडीयू के बाद पिछले चुनाव में लोजपा के उम्मीदवार रहे सुनील पांडे का भी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। बक्सर के ब्रह्मपुर सीट से एलजेपी ने बाहुबली हुलास पांडे को मैदान में उतारा है। हुलास पांडे सुनील पांडे के भाई हैं और एमएलसी रह चुके हैं। सीवान में बाहुबली अजय सिंह इस बार खुद निर्दलीय मैदान में उतरने की तैयारी में है। बाहुबली अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह इस वक्त सीवान से जेडीयू की सांसद है। आज राजनीति में नैतिकता नहीं है, लोग भी जनता भी यहाँ के जो है बेईमान हो गई है, नेता भी बेईमान है, और दल में बाहुबली लोग हैं तो उनसे क्या पक्ष रखेंगे? आदर्श राजनीति का, आदर्श समाज का ऐसा पक्ष नहीं रख सकते हैं। ये बेरा के राजनीति में गांधी जी के अंबेडकर जी के सबकर सपना चूर बा, दूसर काबा बिहार में लोग के आँख में आंसू बा, अपराधी लोग के बोल बाला बा, शहाबुद्दीन जी जैसन आनंद सिंह जी जैसन लोग के बोलबाला बा, दूसर बिहार में का बा, बिहार में लोग के आँख में आंसू बा, दूसर का बा। राजनीति में आज कुछ ना बा, राजनीति पहले रहे, जहाँ गांधी अंबेडकर लोहिया कर्मपुरी ठाकुर जैसन जन सेवक रहे, आज कुछ ना बा। आज अपराधी के बोलबाला बा, शहाबुद्दीन अनंत सिंह मंजू वर्मा जैसन बलात्कार के संरक्षण के लोग बा, आज बिहार में कुछ ना बा। आज बिहार के वैसन लोग के आवश्यकता बा जो वाकई में जन सेवक होके आज जनता के अधिकार खातिर, स्वास्थ्य शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा खातिर आवाज़ उठावत होके बा, वैसने लोग के आवश्यकता बा। आज के राजनीति के दौर में धोखा बा, फरेब बा, भ्रष्टाचार बा, बाहुबल बा। आज के समय में शहाबुद्दीन जैसन, अनंत सिंह जैसन, मंजू वर्मा जैसन नेता बा जौन बलात्कारियों के अपराधिकरण के सह दिले बा, वैसने आज के समय के बिहार बा, जहां लोग बेरोजगार बा, त्रस्त बा, शिक्षा स्वास्थ्य खातिर सब चीज खातिर परेशान बा, यह बिहार बा। अरे नेताजी गोड़ मिसे बाहुबलियन के, अरे नेताजी गोड़ मिसे बाहुबलियन के, हाँ वोट बैंक इनकर कट्टा दू नलियन पे, अरे काबा बिहार में काबा, गुंडन के माफियन के कुर्सी के चाहबा, गुंडन के माफियन के कुर्सी के चाहबा, अपराधीन के मिलत राजनैतिक पनाहबा, अरे काबा बिहार में काबा। बिहार चुनाव की कहानी सिर्फ बाहुबली नेताओं पर ही सिमट कर नहीं रह जाती है। अगर किसी कानूनी पहलुओं या फिर किसी दूसरी वजह से खुद ये बाहुबली नेता चुनाव में नहीं उतर पाते तो उनकी पत्नी मैदान में होती है। इस बार भी कई बाहुबलियों की पत्नी चुनावी अखाड़े में है। वैशाली के महनार विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी ने बाहुबली और पूर्व विधायक और सांसद रहे रामा सिंह की पत्नी को अपना उम्मीदवार बनाया है। दरअसल पार्टी रामा सिंह को ही अपना उम्मीदवार बनाना चाहती थी, लेकिन दिवंगत रघुवंश बाबू के विरोध के कारण उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। नवादा के वारसलीगंज से पूर्व बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। अरुणा देवी 2005 में निर्दलीय मैदान में उतरी थीं और जीती थीं। इसके अलावा वारसलीगंज से ही एक और बाहुबली प्रदीप यादव की पत्नी बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में है। पिछले चुनाव में प्रदीप जेडीयू के टिकट से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई है। नवादा से आरजेडी ने दुष्कर्म के मामले में सजायाफ्ता राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को टिकट दिया है। भोजपुर के संदेश विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी ने किरण देवी को टिकट दिया है। किरण देवी आरजेडी के मौजूदा विधायक और रेप केस में फरार चल रहे अरुण यादव की पत्नी है। पार्टियों को जो है वो अपने जनता पर और अपने कार्यकर्ता पर भरोसा खत्म हो जाता है चुनाव के समय में, और 5 साल तो उसे झंडा ढोवाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हमारा एक कार्यकर्ता ज़्यादा पैसा नहीं लगा पाएगा
और हमारा सीट नहीं निकल पाएगा, इसके कारण ये बाहुबलियों को लेते हैं। बाहुबलियों के साथ एक सेटअप होता है, पूरा माफिया गैंग होता है, हर इलाके में उनके लोग होते हैं जो पैसा अंधाधुन। और इसमें दो बातें हैं, पहली बात ये कि उसको सीट चाहिए और बाहुबली को अपना सरकार का संरक्षण। तो अपने संरक्षण के लिए वो पार्टियां धरती हैं, और पार्टियां यह समझती हैं कि अगर कार्यकर्ता होगा तो नेता होगा, कल को हमारे लिए विवाद पैदा करेगा, और बाहुबली अगर चुनाव जीत के जाते हैं तो इसका मतलब ये हमारे दबाव में रहेंगे। मान्य कार्यकर्ता जो पहले 70 के दशक में जब जयप्रकाश नारायण या लोहिया और समाजवाद का जो दौर था, उन दौरों में ऐसा नहीं था। उस वक्त ना पैसे की ज़रूरत होती थी, ना कुछ किसी ताकत की ज़रूरत होती थी, लोग विचारधारा पे चलते थे। अब विचारधारा जैसी कोई बात नहीं रह गई है, ऐसे में बाहुबलियों का जो है बोलबाला हो गया है राजनीति में। समाज पे निश्चित तौर पे जो नया युवा है वो देखता है कि बड़ा शॉर्टकट रास्ता है, बड़ा आसान सा रास्ता है, आराम से बाहुबली बनेंगे, आराम से पॉलिटिकल अचीवमेंट गेन करेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे और बड़ा रुतबा में जिएंगे, पैसा भी है, शोहरत भी है, इज्जत भी है, लोग आपको सलाम भी करते हैं, लोग आपकी इज्जत भी करते हैं। तो क्यों ना जो है एक जो साधारण सा रास्ता है जिसको शॉर्टकट आप कह सकते हैं, शॉर्टकट अचीवमेंट है। चुनाव आने पर बाहुबली को लाया नहीं जाता है, बाहुबली आते नहीं हैं। हमारे जो राजनीतिक के लोग हैं, जो लोग व्हाइट कुर्ता और पैजामा पहनकर अपने आप को सादगी में पेश करते हैं, वास्तविकता में भीतर से वो कितनी गंदी है वो आप लोगों से, किसी से, समाज से छुपा हुआ नहीं है। वो लोग अपने संरक्षण के लिए ही अपराधियों को राजनीति में लाते हैं। फॉर्च्यूनर दरवाजे खड़ाबा कंधे पे राइफल चढ़ाबा, फॉर्च्यूनर दरवाजे खड़ाबा कंधे पे राइफल चढ़ाबा, अरे बाहुबली कहलावे सरकार बनावे गिरावे, बाहुबली कहलावे सरकार बनावे गिरावे, अरे गुंडन के हाँ भैयन के हुनकार बा, जाने के थुआ के सरकार बा, अरे काबा बिहार में काबा, हाँ रंगबाजी बा रंगदारी बा गारी बा मार बा गर्दा बा। फॉर्च्यूनर दरवाजे खड़ाबा कंधे पे राइफल चढ़ाबा, फॉर्च्यूनर दरवाजे खड़ाबा कंधे पे राइफल चढ़ाबा, अरे बाहुबली कहलावे सरकार बनावे गिरावे, बाहुबली कहलावे सरकार बनावे गिरावे, अरे गुंडन के हाँ भैयन के हुनकार बा, जाने के थुआ के सरकार बा, अरे काबा बिहार में काबा, हाँ रंगबाजी बा रंगदारी बा गारी बा मार बा गर्दा बा। बहरहाल राजनीति और अपराध का नाता दशकों पुराना रहा है। बिहार में 90 के दशक के बाद हर चुनाव में बाहुबलियों का वर्चस्व रहा है। इतिहास पर नजर डालें तो अपराध की दुनिया से निकले लोगों ने न सिर्फ बिहार की राजनीति में अपना स्थान बनाया बल्कि कई इलाकों में तो अपनी समानांतर सरकार भी चलाते रहे। यहाँ तक कि देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद तक भी कई बाहुबली नेता पहुंच चुके हैं। बेतिया से धनंजय द्विवेदी, नवादा से शैलेश कुमार और हाजीपुर से अभिषेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 24। इसी के साथ यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए दिव्यांगों के लिए खास बुलेटिन।